Hello students, welcome to our channel. Today we will discuss a very important topic, that is noun. What is a noun? Noun kya hote hain? Noun is a word that identifies a person, place or thing or any name one of them. Noun kya hai? Noun kisi vyakti, vastu ya sthan के नाम को या उसको आइडेंटिफाई करने वाला वर्ड है। उस वर्ड के द्वारा हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या वो पर्सन है, प्लेस है, थिंग है या कोई विशेष नाम है। कोई भी संसार का कोई भी नाम जो है, नेम है, दैट इज कॉल्ड ए नाउन। हिंदी में आप इसको संज्ञा कहते हैं। द सिंपल डेफिनेशन इज नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा, कुछ उदाहरण के द्वारा आपको ये समझाया जा रहा है कि नाउन क्या है। पर्सन मीन्स व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम, मैन, वुमन, टीचर, जॉन, स्टूडेंट, दक्ष, ये सब व्यक्तियों के नाम हैं। इन सब नामों से हम ये देखते हैं कि ये सब नाउन हैं, किसी व्यक्तियों के नाम भी नाउन हैं। प्लेस, किसी स्थान का नाम, प्लेस, होम हो गया आपका, होम, ऑफिस, टाउन, शहर, स्कूल, कंट्रीसाइड, अमेरिका, ये सब स्थान हैं, प्लेसेस हैं। प्लेसेस के नाम भी नाउन्स कहलाते हैं। थर्ड इज नेम ऑफ ए थिंग। थिंग्स वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स, जैसे कोई टेबल्स, कार, बनाना, मनी, म्यूजिक, बुक्स, डॉल, ऑल दीज आर नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। नोट दैट नेम्स लाइक जॉन एंड दक्ष रेफर टू पर्टिकुलर पर्सन्स एंड अमेरिका रेफर्स टू अ पर्टिकुलर प्लेस। दीज आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। जब कोई विशेष रूप से किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम हम लोग लेते हैं तो उसको हम हमेशा प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। प्रॉपर नाउन वो है जहाँ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी स्थान का जिक्र किया गया हो। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। एक वाक्य के अंदर नाउन का फंक्शन क्या है, नाउन का कार्य क्या है। नाउन्स हैव सर्टेन फंक्शंस और जॉब्स इन अ सेंटेंस। किसी वाक्य के अंदर नाउन के क्या फंक्शंस हो सकते हैं ये हम लोग डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। किसी वर्ब का सब्जेक्ट एक नाउन होता है, किसी वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, फंक्शन करता है। जैसे सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब मीन्स टीचर्स वर्क हार्ड। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है टीचर्स है और जो वर्ब है वर्क हार्ड है। सेकंड फंक्शन ऑफ नाउन इज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होना, जैसे ही लाइक्स कॉफी। यहाँ पे वर्ब लाइक्स है और ऑब्जेक्ट जो है आपका कॉफी है। थर्ड इज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर ये वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में कार्य करता है नाउन। जैसे टीचर्स टीच स्टूडेंट्स, टीचर्स टीच स्टूडेंट्स, टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को टीच करते हैं। तो अभी हमने जो देखा है कि सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि जो नाउन है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। एनी नेम, संसार का कोई भी नाम जो बोला जा सकता है, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, वो सब नाउन है। सो स्टूडेंट्स, टू सम अप द टॉपिक, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग एज डिस्कस्ड अबव। सो दिस इज ऑल अबाउट नाउन एंड आई होप यू हैव एंजॉयड एंड लर्नड इट। Thank you very much.